પીએમ મોદીએ ભરૂચના ઇજનેરની નોકરી છોડી ખેતી કરતા ખેડૂત એવા અલ્પેશભાઈ સાથે સંવાદ કર્યો. અલ્પેશભાઈ નમસ્તે. નમસ્કાર સર, કેમ છો? બસ મજામાં સર. એ હિન્દીમાં બોલવાનું ફાવશે? ફાવશે, ફાવશે સાહેબ, ફાવશે. તો આપણે બારે મેં કુછ બતાઈએ. હા સર, મેરા નામ અલ્પેશ કુમાર ચંદ્રભાઈ નિજામા હું और मैं गुजरात के भरूच जिले के भरूच तहसील के गांव का रहने वाला हूँ. मैंने बीए और फिर मैंने मुंबई में सीटीआई का कोर्स किया और फिर बाद में मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर किया. क्या 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 कोर्स किया आपने? डिप्लोमा हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंजीनियर. अच्छा. हाँ सर. फिर मैंने जॉब किया, फिर जॉब मैंने छोड़ दिया जॉब और मेरे पापा की पटेलो पार्टी जमीन है उसमें मैं खेती करने लगा. तो कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 40 एकड़ है सर. तो आप नौकरी छोड़ करके खेती करने के लिए आ गए? हाँ सर. और मुंबई छोड़ करके भरूच आ गए? हाँ सर. हाँ सर. वाह, तो आप तो खेती कर रहे हैं तो बाकी नौजवानों को भी आश्चर्य होता होगा कि भाई ये क्या है नौजवान, सारे लड़के तो गांव छोड़ छोड़ करके शहरों में चले जाते हैं, ये शहर छोड़ करके गांव चला आया. तो सब लोग तुम्हारी मजाक उड़ाते होंगे. नहीं 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 सर, नहीं सर, कोई नहीं. अच्छा, आप खेती करते हैं किस प्रकार से करते हैं, कौन चीजों का करते हैं? क्या आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं कि पुरानी जो पद्धति होती है वही करते हैं? नहीं, मैं फिलहाल सर जो आपकी जो भारत सरकार ये योजनाएं हैं और जो गुजरात सरकार की जो योजनाएं हैं जो उसमें आरकेवीवाई और एजीआर 2 एजीआर 50 उसमें से मुझे जो ट्रैक्टर उसके जो इक्विपमेंट है वो लिया सर और वो सब्सिडाइज मुझे मिला और उसके बाद मैंने ड्रिप इरिगेशन का जो सब्सिडी मुझे मिला 3 लाख रुपये तक और ये सब जो इक्विपमेंट ट्रैक्टर में मुझे 1,17,000 रुपये तक की सब्सिडी मिली है और जो आपकी जो पीएम सम्मान निधि योजना है सर उसमें 15 हफ्ता मुझे. अल्पेश भाई, जब मैं आपकी उम्र का था तो मैंने 1 लाख क्या होता है, 2 लाख क्या होता है, 3 लाख क्या होता है सुना ही नहीं था. सही बात है. और आप तो लाखों में बात कर रहे हैं. हाँ जी सर. तो आप ये जो लाभ आपको मिले हैं तो दूसरे किसानों को भी अच्छी खेती करने के लिए कुछ सलाह वलाह देते हैं क्या? क्योंकि गांव में आप तो मुंबई से आए हैं तो गांव में जरा आपका रुतबा चलता होगा. हाँ सर, मैं सर एक्चुअली आत्मा प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ 2008 से सर और आत्मा प्रोजेक्ट का जो कर्मचारी था इधर गांव के पंचायत में आए थे और वहाँ पे मुझे संदेश दिया कि इस ग्रुप में आप जुड़ो तो आपको जो भी अच्छे जब खेती कर रहे हैं दूसरे राज्य में या दूसरे जिले में या दूसरे तालुका में उधर आपको विजिट करवाएंगे उससे आपको ये फायदा होगा कि आप किस टेक्निक से खेती कर रहे हो और वो लोग किसी कैसी टेक्निक से खेती कर रहे हैं वो आप समझ पाओगे. तो फिर बाद में मैंने सभी जगह पे विजिट किया और आपका प्रोजेक्ट के मुझे उसमें सम्मान पुरस्कार मिला उसमें तालुका कक्षा में जिला कक्षा में और राज्य कक्षा में आत्मा बेस्ट फार्मर का अवार्ड भी मिला है और सौभाग्य की बात यह है सर कि जो जिला पुरस्कार का पुरस्कार जो मुझे मिला आप भरूच में आए थे उसी का ही मुझे आपकी उपस्थिति में मिला है सर, वो मेरी सौभाग्य की बात है और आज मैं आपके साथ सीधी बात कर रहा हूँ सर. अच्छा, आपके पीछे कोई गुड़िया है, कुछ मुस्कुरा रही है, कौन है ये छोटी गुड़िया है जो बड़ी मुस्कुरा रही है, कौन है? मेरी बच्ची है सर, वो 5वीं क्लास में पढ़ती है सर. अच्छा, उसको पूरा मालूम है. क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम हरी निजामा है. तो तुझे मुंबई जाने का मन नहीं करता है? नहीं सर. तो तुम खेती में कुछ काम करती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं करती. अच्छा, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है तो तुझे मालूम था कैसी यात्रा एक आने वाली है? हाँ. अच्छा, तो तुम्हारे सब दोस्तों को बताओगी? हाँ. पक्का बताओगी? अच्छा, वहां जितने लोग बैठे हैं उन सबको भारत माता की जय का नारा लगवाओ. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. वाह, देखिए अल्पेश भाई, आप देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है. आपने साबित किया है
कि देश में कृषि में अच्छा काम करने के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। आज बहुत से युवा खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने किसानों को बीज से लेकर बाजार तक का बेहतर माहौल दें। हमारी कोशिश है कि नई तकनीक, इनोवेशन और नई सोच से हम किसानों की मदद करें। पढ़े लिखे युवाओं का खेती में आना इस संकल्प शक्ति को बड़ी ताकत देता है। मैं आपको, आपके यहाँ शायद ड्रोन का कार्यक्रम होने वाला होगा और अब तो खेती में जैसे गांव-गांव में ट्रैक्टर ने खेती में बहुत बड़ा जगह ले ली है, आने वाले दिनों में ड्रोन भी लेने वाला है। तो इस जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आती है ना, उसमें एक ड्रोन का कार्यक्रम भी होता है। तो सब मुझे समझना चाहिए और आपको और आपके गांव वालों को मैं एक काम भी देना चाहता हूँ। अब जब ये गारंटी वाली गाड़ी यहाँ से जाए तो इसका अगले गांव में और भव्य स्वागत हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े, इसके लिए आप नौजवान अगले वाले गांव में जाकर के जरा मेहनत करिए, तैयारी करिए और 4-5 गांवों का जिम्मा लीजिए। हमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो SI News साथे।